बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर में सीसी की अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र को लेकर के ये सीसी की बैठक रखी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी मुख्यालय इस समय पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीसी की अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में। महाराष्ट्र को लेकर के सीसी की बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने मंथन का दौर लगातार जारी है। 288 सीटों में एक ही फेज में महाराष्ट्र में मतदान होना है, चुनाव होना है और इसको लेकर के बीजेपी स्ट्रैटेजीज बनाने में जुटी हुई है। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे और वहां उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र की जनता को दिया है। महाराष्ट्र की जनता को साधने की कोशिश पीएम कर रहे हैं और अब अंदरखानी स्ट्रैटेजीज बनानी भी बहुत जरूरी है। किसे टिकट दिया जाए, किसका पत्ता साफ हो, इसी को लेकर के यहाँ निर्णय होने वाला है। बीजेपी सीसी की अहम बैठक अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं, तस्वीर आपके सामने। गृह मंत्री शाह पहुंच चुके हैं, साथ ही कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के यहां इस मीटिंग का हिस्सा हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। टिकट वितरण पर यहां पर विचार विमर्श होने वाला है। महायुति में किसे कितनी सीटें मिलनी चाहिए, यानी जो सहयोगी गठबंधन है उनको लेकर के भी चर्चाएं यहां पर होंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एक ही फेज में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, कुल 288 सीटें और इन सीटों को लेकर के महामंथन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय गृहमंत्री अमित शाह से कुछ ही देर पहले पहुंचे, इसके साथ ही बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उनकी मौजूदगी बीजेपी मुख्यालय में इस समय है। अब से थोड़ी देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, कौन कौन पहुंचा है यहां पर और किस तरीके की फॉर्मूला पर चर्चा की जा रही है? देखिए शिखा, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है और साफ तौर पर है कि महाराष्ट्र के नेता तो इसमें शामिल हैं ही, चाहे पंकजा मुंडे हों या फिर शेलार, आशीष शेलार भी यहाँ पर उपस्थित हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा कुछ देर पहले पहुँचे थे, गृहमंत्री अमित शाह भी कुछ देर पहले पहुँचे हैं और इसके अलावा जो केंद्रीय सीईसी की जो सदस्य हैं, चाहे वो विनोद तावड़े हों, महाराष्ट्र में एक प्रमुख भूमिका में रहे हैं और ताकतवर जनरल सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7:30-8 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से महायुति में लगभग सीटों का बंटवारा हो चुका है, हालांकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही उसके ऐलान होने की भी बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी आज लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी और अधिकतर सीटों पर मुहर लगाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात यह रही है कि बीजेपी के सामने चुनौती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से सांसद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी जो बड़ी जो उपलब्धि मानी जा रही थी कि 6 सीटें आएंगी वो नहीं आ पाई थी, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कई मुद्दों को लेकर के, खास करके जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठवाड़ा आरक्षण है उसकी जिस तरह से भूमिका बनती दिख रही है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ओबीसी वोटर्स पर एक तरफ से बीजेपी ने फोकस किया हुआ है कि वो विधानसभा चुनाव में वापस लाया जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। चुनौती कई हैं बीजेपी के सामने हैं लेकिन उसके अनुसार रणनीति भी बनाई जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में जो कोर ग्रुप था उसमें अधिकतर बातें डिसाइड कर ली गई थी। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 155 से 160 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, बड़े भाई की भूमिका में वहाँ पर है। हालाँकि अजीत पवार और
जो शिंदे हैं उनकी भी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द चीज़ों का फाइनल कर लिया जाए ताकि जो आने वाले समय में जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो सकें, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। निश्चित रूप से एक फेज में चुनाव होने हैं, इसलिए सभी के सामने चुनौती यही है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों पर मुहर लगाई जाए ताकि जो प्रचार करने का एक प्रत्याशियों के पास जो समय होता है वो भी रहे और जो कैंडिडेट हैं वो लोगों तक घर घर तक पहुँच जाएँ। ये माना जा रहा है कि अधिकतर चीज़ें लगभग बीजेपी में फाइनल कर ली गई हैं, लेकिन प्रत्याशियों का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, एक एक सीट महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए सीसी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में शामिल हैं, पीयूष गोयल मुंबई से जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। शिखा, अक्षय, महायुति के अंदर क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी सहमति बन चुकी है या इसको लेकर के अभी और भी मंथन होगा? और देखिए, मुलाकात हो सकती है, लेकिन अधिकतर चीज़ें जो कही जा रही हैं कि फाइनल हो चुकी हैं। आज अमित शाह से बैठक भी तमाम नेताओं की बुलाई गई थी, लेकिन कुछ वजहों से वो बैठक, ये कहा जा रहा है कि रात में आहूत हो सकती है, हो सकता है सीसी के बाद वो सभी लोग मिल सकें, चाहे अजीत पवार हों या फिर सीएम शिंदे हों। अधिकतर चीज़ें लगभग फाइनल की जा चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि दो चार सीटों पर ही सिर्फ अभी बातचीत करना बाकी है। हालाँकि ये जरूर है कि जिस तरह से महायुति में सीटों का बंटवारा है वो कहा जा रहा है कि लगभग लगभग फाइनल है, लगभग 160 सीटों के आसपास बीजेपी, जबकि 90 से 95 सीटों पर शिंदे शिवसेना, और साथ ही साथ अजीत पवार का गुट, ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये लगभग लगभग फाइनल हो चुका है, अधिकतर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, सिर्फ मेट्रोलाइज करना शेष रह गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एक औपचारिकता, जो औपचारिक मुलाकात माना जा रही है कि अजीत पवार और सीएम शिंदे निश्चित रूप से करने वा रहे हैं अमित शाह से उनकी मुलाकात, और साथ ही साथ जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रह सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी, देवेंद्र फडणवीस भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले अब सीसी की बैठक बुलाई गई है। ये सीसी की बैठक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी।